चाहे मेरा दिल ले ले, चाहे मेरी जान ले ले, आरज़ू हो जैसे वैसे इंतहा ले ले। चाहे मेरा दिल ले ले, चाहे मेरी जान ले ले, आरज़ू हो जैसे वैसे इंतहा ले ले। तेनु प्यार करा मैं लखवारी, अंज प्यार किसे नहीं करना, अंज होर किसे नहीं मरना, अंज प्यार किसे नहीं करना, अंज होर किसे नहीं मरना। बिकवारी नहीं सवारी, तेनु प्यार करा मैं लखवारी, अंज प्यार किसे नहीं करना, अंज होर किसे नहीं मरना, अंज प्यार किसे नहीं करना, अंज होर किसे नहीं मरना। Hi, hello, and assalamu alaikum to the one and only The Couple Show! Alrighty, thank you very much, Razor. So let's welcome my wife, Hina Altaf, and now Hina Agha! कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपकी तारीफ कर देती हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी हैंडसम। और आपको तो पता है मेरी जिंदगी के हीरो आप ही हैं। तो इसी खूबसूरत बात के साथ शुरू करते हैं आज का शो। मैं चाहूंगी कि जो हमारे मेल गेस्ट हैं उनके बारे में पहले आप बताएं, फीमेल के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन आज जो हमारे मेल गेस्ट हैं, जो कपल आ रहा है, उनके बारे में मैं एक चीज जरूर बोलूंगी। आगा, मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज में इनके साथ काम किया है, जो आज हीरो हमारे सेट पर आने वाले हैं। एंड ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट हिम दैट ही इज सच अ जेंटलमैन। और जो इनकी बेगम है उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी कि 3 से 4 साल इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन फिर उसके बाद आगा जो उनकी स्ट्रगल रंग लेकर आई है। 2015 का बेस्ट मॉडल अवार्ड, 2017 का बेस्ट मॉडल अवार्ड, 2018 का बेस्ट मॉडल अवार्ड, 2019 का बेस्ट मॉडल अवार्ड। यार बहुत अच्छा लाते हैं, दोनों बहुत ही कामयाब हैं माशाल्लाह, और अल्लाह के फैसले से अब शादीशुदा भी हैं। सो लेट्स कॉल द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी ग्रेसफुल एंड द ट्रू जेंटलमैन शहरोज़ सब्ज़वारी एंड सदा शहरोज़। आप जिंदगी में बहुत आगे आ चुके हैं, आप यहाँ पे भी आगे आइए जी। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। नो नो, योर शो एंड रियली प्राउड ऑफ यू बोथ, डूइंग सो वेल एंड लुकिंग सो गुड, एंड व्हाट अ लवली कपल। इतनी अच्छी एनर्जी देते हो तुम लोग बैक स्टेज और इधर एवरीवेयर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, वो जेलस हो रहे। अच्छा शहरोज़ सदा, जिंदगी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो तो दोनों के चेहरों से ही दिख रहा है, सुकून है, सुकून। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों खुश हैं और अब और खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आ गए हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन्हें और खुश करके भेजें और आप लोगों को भी। आओ यार, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। डूड, तेरे लिए तो बहुत सारी बातें। कम लेट्स सिट डाउन प्लीज, आइए। ओके जी, तो वी हैव टू सुपरस्टार्स इन द हाउस। मेरी बीवी को बैठने के लिए जगह मिल रही है, नहीं, मैं बस अपना क्यों कर रहा हूं। मिल गई है, बहुत सारी तालियां। ओके, सो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह साथ में। आप लोग लगते हो बेस्ट फ्रेंड्स, है ना? हो ना, वैसे भी हाँ, वैसे भी दो होना जरूरी है। शादी के बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, यही एक हल है इसका। आप लोग भी बेस्ट फ्रेंड बनिए। हाउ अबाउट यू टू? यू गाइस आर Great friends, share everything वाला माहौल है। दोस्ती के अलावा तो ये रिश्ता कामयाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, because especially क्योंकि आप दोनों सेम इंडस्ट्री जब शेयर करते हैं, तो आप तो अगर खुल के एक दूसरे को क्रिटिक ना कर सकें, खुल के एक दूसरे को गाइड ना कर सकें, अगर एक दोनों अगर घर पे स्टार बन के बैठ जाए, तो फिर दोस्त दोस्त हैं ऑफ कैमरा, अल्हम्दुलिल्लाह।
दोनों कैसे मिले, कैसे मुलाकात हुई दोनों के दूसरे के बारे में, क्या अच्छा लगा ये बता दो ये बताओगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे इस शो में। एक्चुअली वी गॉट टुगेदर फॉर द अवार्ड्स व्हिच वी हैड टू परफॉर्म टुगेदर। हां मैंने वो रिहर्सल के वीडियोस तो उधर वी हिट इट ऑफ एंड वी बिकेम सच गुड फ्रेंड्स। अच्छा आई एम अ वेरी क्लोज्ड अप गाय, इफ यू आस्क अदर पीपल अबाउट मी, आस्क मी आई नो यू वर्क विद मी, बट मतलब लाइक ही इज माय ब्रो, when he does something I am the first one to call him, yeah true, and with an honest heart, so true. I have a selective few people who I love, he is one of them, and I that's those are the people I talk to, so iske sath I hit it off aur dosti ho gayi achhi, wapas aaye to us dosti ko thoda kis logo ne rang kuch aur de diya, we were still friends you know, but then I was like we both were like ye idea matlab logo ne hi diya, ye logo ne idea hame diya, ये भी तो है, ये आपका किया धरा है भाई आप लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत, ये बहुत इसके पीछे और कोई नहीं आप लोग, बहुत शुक्रिया सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा तो अच्छा, फिर दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को कि आप दोनों फनी हो, सदफ कह रही है शहरोज फनी, शहरोज कह रहे हैं सदफ फनी है, उसके अलावा फनी से अलावा क्या क्या पर्सनैलिटी क्वालिटी हाँ क्या जो दूसरे को अच्छे लगे? द बेस्ट थिंग है ना दैट जो किसी आदमी को भी अट्रैक्ट करेगा वो होती ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी जब लड़की में हो स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में बीइंग आउट एंड अबाउट वर्किंग एंड अस मेन बीइंग हम जो हैं हम जैसे भी हम पले बड़े पाकिस्तान में सो वी हैव अ सर्टेन मेंटालिटी, बिल्कुल उस मेंटालिटी को रखते हुए शी हैड इसके जो मॉरल्स हैं ना वो बहुत राइट प्लेसेस पे थे, सो सीइंग दैट आई यू नो रियली respect that about her. मैंने जितनी बार भी दूर दूर से सदफ को जब भी नज़र पड़ी है मेरी तो आई हैव ऑलवेज सीन हर, वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल में हमेशा आप देखते हो और फिर रैंप पे देख के उसके बाद कभी नहीं मुझे दोबारा देखने को मिली सदफ वहाँ पे, सो आई फाउंड अ वेरी रिजर्व्ड यू नो, देयर वाज नो हू हा, और मैंने नहीं देखा कि इस बंदे से भी मिल रही है और उससे भी मिल रही है सब। अच्छा सदफ को शहरोज के बारे में वो कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट था, क्योंकि सदफ आप करियर ओरिएंटेड भी हैं, आप अवार्ड्स भी लिए जा रही हो, प्यारी हो, सक्सेसफुल हो, इस पे तो मैं करूंगा गुफ्तगू अवार्ड्स पे, यार ये एकदम से शादी का माइंड बनाना कितना मुश्किल था, शहरोज को देख के कैसे ख्याल आया कि ही इज द मैन? अच्छा इसी को देख के ख्याल आया कि यही इंसान है इससे मैंने शादी करनी, क्योंकि मैं पता नहीं ऐसा क्या था इसमें कि मैंने कहा यही है मेरे बच्चों का बाप यही बनेगा, कहाँ है वो बच्चे? नहीं वो आएंगे इंशाल्लाह जल्द होने वाले बच्चों का बाप यही है मेरे बच्चों का बाप यही होगा मेरे बच्चों का बाप इंशाल्लाह। तो मैंने कहा यही है, पता नहीं इसमें ऐसा कुछ चीज थी जो कि मुझे लगा कि मेरे जैसा, अभी तक आपको पता नहीं पता It should always be that thing should be there. अगर सब कुछ figure out कर लोगे तो फायदा क्या? हाँ, हमें रोज नई नई चीजें पता लगती हैं दूसरे के बारे में, हम रोज खुश होते हैं, हम और ज्यादा क्लोज हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हम और ज्यादा अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमारे घर में तो बुराइयाँ होती नहीं है, मम्मा पापा तो खिलाफ है बिल्कुल भी कि किसी के बारे में कोई गॉसिप कर ही नहीं सकता। Yeah, it's not allowed. On our table, gossip is not allowed. बिल्कुल भी नहीं। When we sit, we have dinner. If we can compliment others, we can make calls, we can make calls अगले को जैसे किसी का सीरियल देखा, किसी की फिल्म देखी, but we can't say कि फलाने ने बुरा किया या ये किया। शेरोज़ is such a good habit, मतलब that's from my dad, you know he मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ पहले, लेकिन अब जब मेरी शादी हुई है तो अब दो तीन डांटे पड़ी हैं फिर सही हो गया। हाँ नहीं मुझे लगता है सबको हो गया। Because my dad is like he's her dad. एक्टर के लिए तो हमने बहुत दफा तालियां बजाई है, मेहरोज साहब द पर्सन के लिए मैं कहूंगा यार बहुत सर, ये फ्लाइंग किस आपको मेरी तरफ से, आई नो आप वापस भेजोगे तो ये देखो सर ये शहरोज ने अभी कहा है कि थोड़ी सी मिस्ट्री रहनी चाहिए, तो मेरा अगला सवाल ये है सदफ से कि ऐसी कौन सी बात है शहरोज की जो शादी के बाद इंकशाफ हो कि यार ये भी कमाल की बात है, पर्सनालिटी ट्रेट है ये, तो ब्रेक ले लें। हाँ नहीं आप ब्रेक लें, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ जी, थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, जो भी छोटे मोटे काम करके जल्दी से वापस आ जाओ, बिकॉज इट्स हार्डली गोना टेक 2 मिनट्स, आई विल बी बैक, यू वॉचिंग द कपल शो।
यस हमारे साथ है शेरो सब्जवारी एंड वी हैव सदर शेरोज। ब्रेक से पहले हम एक सवाल छोड़ के गए थे कि शादी के बाद ऐसा कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है जो सदफ को पता चला शेरोज के बारे में। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नहीं, अच्छा है क्योंकि कुछ आप फैमिली में कुछ होता है समटाइम्स, बहुत ऊपर नीचे कुछ मसले हो जाते हैं, तो मुझे लगता था शेरोज शायद चुप हो जाए, तो ये मैनेज बहुत अच्छा तरीके से करते हैं, मतलब काम करते हैं मम्मा पापा को, मुझे फैमिली में कुछ हो जाता है तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई शादी के बाद, वाओ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था मैच्योरिटी से। आई मेट हिम लाइक 10 years ago और ही वाज वेरी यंग और मेरे ख्याल से अभी दाढ़ी भी सही से नहीं आई थी भाई की, कहीं कहीं जगहों पे 10 years से ज्यादा हो गया। हाँ 11वां साल हो गया ना, 11 years ago। बट मुझे तब भी लगता था दैट ही इज यू नो ही नोज इट, ही नो हिज थिंग, तो वो तो बिल्कुल सच्ची बात है। तो भाई ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात है, शो की शुरुआत थी तो सोचा था भाई आया है तो अच्छी तो करनी ही चाहिए। अभी हम असली बातों की तरफ, अब हम थोड़ी सी सवाल जवाब, नहीं नहीं सवाल जवाब और लेकिन सच्चे जवाब चाहिए कोई हमें बिल्कुल, क्योंकि भाई मेरा आया हुआ है और आपका देखिए रिश्ता कैसा बन गया हमसे, ये तो बहुत ही सच्ची है, दो सच्चे लोग आए हुए हैं ना, फायदा उठा लो इनकी सच्चाई का फौरन। जी हिना आप शुरू करें। हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है हूज द बॉस। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप दोनों ने बताना है कि घर में इस चीज को लेके, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेके कौन है बॉस, कौन आप करता दोनों है रूल, कौन है जो रेस्टोरेंट डिसाइड करता है अगर बाहर खाना खाने का प्लान बने। ओके 1 point से ज्यादा, कौन पहले सॉरी कहता है। Nice. किसकी मर्जी से पहले फैसले होते हैं। ओए होए जबरदस्त, कौन ज्यादा बहस करता है भाई। ज्यादा रियली ओके मान गई यार, देखो किसको गुस्सा जल्दी आता है। ओए होए होए वाओ कितना मजा आ रहा है मुझे। कौन है जो नाराज होता है अगर उसका फोन पहली कॉल पे ना उठाया जाए। किसको हर बात हर बात बतानी पड़ती है और कौन कभी कभार बातें छुपा लेता है। ये बड़ी पर्सनल बात है, वैसे पूछनी नहीं चाहिए। नहीं वैसे हमारा कभी ऐसा हुआ कि कोई यू नो चुपचाप है और आप पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ और फिर वो ना बताए, कौन है जो बता देता है हर बार। Quiet, but she tells everything. ठीक है। अगला सवाल है किसको रोजाना तारीफ सुनने की आदत है, कि ना हर वक्त तारीफ सुननी है। ओह सदा बिल्कुल मेरे जैसी है, सदा बिल्कुल मेरे जैसी है। अच्छी बात है, वेरी गुड यार। बीवियों की तारीफ करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ये खुशहाल जिंदगी का ये राज है। 9 महीने में मुझे पता चल गया है कि यही है तरीका अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो। अच्छा फजूल खर्च कौन है दोनों में से। हम दोनों हैं ऐसे, माशाल्लाह बड़ा फखर है दोनों। वेरी गुड ठीक है। अच्छा कौन सोचे समझे बगैर फैसला कर लेता है। पहला डायलॉग अब भूल जाता हूँ, अब सीन याद करता हूँ पूरा याद है लेकिन जब एक्शन बादाम दूध पिलाओ लड़के को सदब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आई थिंक आई एम बिकमिंग डोरी फ्रॉम दैट फाइंडिंग नीमो। ओके ओके जी कौन जिद्दी है ज्यादा, कौन है कौन ज्यादा जिद्दी है। ये मैंने कह दिया ये तो होगा। शेरी जिद्दी नहीं, मतलब जो कह दिया शेरी टाइम जिद्दी। चलो ठीक है इफ यू से सो। हां शेरी आई एम जिद्दी, यू आर ज्यादा जिद्दी, स्टबर्न। मेरे पास अगला सवाल है कौन गाना बुरा गाता है और कौन अच्छा गाता है। थोड़ा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। इसका मतलब ये था कि इन गाना गाना पड़ेगा। लाइए माइक लेके आइए। सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी के थू छाओ का के धूप छाओ का आलम रहा जुदाई न थी वो हम सफर था। ऑलराइट वेरी गुड, वेरी नाइस।
तो who's the boss का फैसला हो चुका है? Who's the boss का clearly फैसला हो चुका है कि घर में boss ज़्यादा है। तो जी फैसला हो चुका है इन दोनों के घर में, अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो बॉस सदफ है Clearly. और थोड़ा सा मुझे शक भी था ऐसा ही होगा क्योंकि नहीं इसकी वजह एक अच्छी है बिकॉज दिस गाय इज अ ट्रू जेंटलमैन और मैं जानता हूँ कि इसे एक औरत को ट्रीट करना आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो कोई घर में हमारे हेल्पर हो, चाहे वो इवन व्हेन आई सॉ हिम विद द स्पॉट बॉयज विद एवरीबॉडी ही नोज कि इसको कैसे ये अच्छी अपब्रिंगिंग है। एक बार फिर फिरोज साहब आई लव यू, दिस इज द रीजन, और आप ही के नाम करता हूं मैं एक और ब्रेक Wow. और इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सदफ और सदफ से पूछेंगे कि शादी के बाद क्या चेंज हो गया है जिंदगी में। okay. यार मैं इनसे कराऊंगा थोड़ी एक्टिंग शैक्टिंग आएंगी जरा टीआरपी शीआरपी तो आते हैं दो मिनट के बाद यू वॉचिंग द कपल शो चाहे मेरा दिल ले ले चाहे मेरी जान ले ले आरज़ू हो जैसे वैसे इम्तिहान ले ले हो चाहे मेरा दिल ले ले चाहे मेरी जान ले ले आरज़ू हो जैसे वैसे इम्तिहान ले ले एक वारी नहीं सवारी तेन प्यार करा मैं लंगवारी अज प्यार किसे नहीं करना अज होर किसे नहीं मरना अज प्यार किसे नहीं करना अज होर किसे नहीं मरना एक वारी नहीं सवारी तेन प्यार करा मैं लंगवारी अज प्यार किसे नहीं करना अज होर किसे नहीं मरना अज प्यार किसे नहीं करना अज होर किसे नहीं मरना Okay, so let's start. Bujo to jaane with the one and only Sharo Sazwari and. और शुरू गेम करने से पहले यार एंड के बाद नाम बोलना था यार. एक सेकंड. अरे कौन जीतेगा ये गेम? मैं. हाँ, exactly. Sharo साहब को क्या लग रहा है कौन जीतेगा गेम? We'll see. ये बात, ये confidence चाहिए तो basically हम एक टीम हैं. और हम एक टीम हैं. अच्छा ठीक है. Yes. लेकिन कौन जीत गए हम लोग? लेकिन we are winning. लेकिन लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टा हम आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मेरी आपके साथ सिर्फ दुआएं हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द गेम। पहले कौन एक्ट करेगा? मैं। ओके शेरोज। ओके, डन हो गया। ये मैं लेके जा रहा हूँ, आप नहीं देखोगे, आप हिना से बातें करो। कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, प्लीज डोंट लुक एट द स्क्रीन। हमें चीटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओके okay, बहुत आसान है, चाहो तो एक हिंट यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकता हूँ? कोई हिंट यूज कर सकते हो आप अगर चाहो तो। हाँ, कैसे? आपको हिंट चाहिए? मैं दूंगा हिंट, एक हिंट इज अलाउड, वरना आप बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। फिल्म है? पहले बताओ, फिल्म है? खाना है? हाँ। फिल्म है? क्या फिल्म जरूरी थोड़ी है? पाकिस्तानी कोई? सेकंड शुरू हो चुके हैं। ओके, खाना? ओके, खाना बन रहा है? खाना खा रही? खाना बन रहा है? खाना पकाना? खाना वो कह रहा है पेट निकल आया खाना खा खा के पेट निकल आया हथेली हथेली खाना परोस रही हूँ दाल परोस रही हूँ पहले मुझे एक बात बताएं ये मूवी कौन सी है पाकिस्तानी मूवी नहीं है व्हाई डू यू से मूवी 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 नहीं है फिर क्या मैं हिंट दे देता हूँ खाने की चीज है ओके 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 बिरयानी रोटी 25 सेकंड्स लेफ्ट सालन शेरोज इज सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ यू हैव नो आईडिया दाग लग जाता है दाग लग जाता है और दाग तो आपको पता है कि बुरे होते हैं कपड़े सूट उसका अच्छा नहीं लग रहा वो कह रहा है आपको दूसरा निकालना चाहिए था हां साफ खाते हुए खाना 10 सेकंड्स लेफ्ट आई एम सो सॉरी आई ट्राइड माय बेस्ट इट्स 10 9 8
ये पॉइंट नहीं जाएगा क्योंकि मैंने अपनी चीटर बीवी को देख लिया है। यू आर अ चीटर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खाने कुछ भी चीज हो सकती है। खाने की चीज है मतलब, चलो वो बेचारा दाल गिनने लग गया। उसने ट्राई किया तो मैं चाहती थी कि वो जीते। नहीं आप नहीं जीती। ये पॉइंट आपने जब बोला कि खाने की चीज है मैंने कहा हाँ, फिर खाने की चीजों के नाम लेते हैं। हाँ मुझे नाम लेना था। ठीक है हाँ ओके। अब आपकी बारी एक्ट करने की, तो प्लीज समझिएगा इस गेम को। मेरा लड़का मासूम, प्लीज आंखें बंद कर ले। यू आर ऑनेस्ट आई नो बट प्लीज। ओके करो एक्टिंग। बस अभी रुक जा। फिल्म में? नहीं कुछ नहीं बोल सकते हाथ से। फिल्म में? फिल्म में नहीं कह रहे। रुको रुको यार, तू तो बहुत जल्दी में। ये नहीं कर सकते, शेप नहीं बना सकते किसी चीज की। नहीं कर सकते, आप ड्रॉ कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते। पतंग? आप हमारे मेरे साथ हो वापस जी। फटी पतंग? कटी पतंग? फटी पतंग। वाह कटी पतंग, बहुत अच्छा। नहीं आती तो इसकी कोई फायदा नहीं है। ओके जी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं छोटा था, आप छोटे, उसका घुटना। नूरे? हाँ। मीठे में ना? मीठा शहद? हाँ शहद। ओके शहद। शहद खा के उड़ जाओ वो कह रहे हैं। ओके शहद और प्लेन। कोई बर्ड? हाँ विच वन? 25 सेकंड्स लेफ्ट। ही इज डूइंग गुड। ओके शहद। ओके हनी मिल्क। हनी वन इज मिल्क। बोलो पहले शहद पे रुक जाए। शहद पे रुक जाओ। ओके हिंट है, आगे चलते हैं। मैं ओके शहद जी। शहद हाँ शहद के कपड़े शहद की मक्खी। ओके ये बहुत ही अच्छा है। पहले सवाल पूछूंगा, आप अभी चुप रहो। हाँ कुछ नहीं बोलो। फिल्म है? नहीं चीज है। हाँ ओके ओके खाने की चीज है। लीमू मसाला? चाट मसाला फ्रूट चाट। चुटकी डालना? नमक आधा काट। हाँ नमक काट के मटन पे नमक डाल के काट के खा लो। नमक काट दिया। जले पे नमक छिड़क। अरे यार नाइस, बहुत अच्छा। वेरी नाइस कदम पे नमक छिड़कना, बहुत अच्छा। तुमने ये जो किया ना, वेरी गुड, दैट वाज वेरी स्मार्ट। देखो एक राउंड में माशाल्लाह। एक्सपेक्टिंग दैट वाज अ गुड वन। हमने आपकी वाइफ को चैंपियन बना दिया इस गेम का। अब आप हर सैटरडे संडे अपने घर पे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए रुक मेरे भाई, रुक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ चीज है? ओके खाने की तो नहीं है। आप यार इनको कोर्ट उतरवाओ यार, हर चीज पे कोर्ट पे इशारा कर देता है यार ये। मैं? आप सो रहे? हाँ सो गए। ऐसे सोता है भाई? बहुत सारी तालियां। चलो तू ऐसे सोता है, मुझे नहीं पता था। मतलब ये ऐसे सोता है चलो। प्रोमो आ गया हमारे पास। वेरी गुड। आप भाई वेरी नाइस यार। गले लगा के sleeps like a cupid. कंबल? हार्ट? सर्जरी दिल की? बाईपास? आप और मैं प्यार करते हैं। हाँ प्यार करते हैं। प्यार? ओके प्यार। मोहब्बत? ओके मोहब्बत। रुक जाती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। मोहब्बत शहरी? ओए होए मोहब्बत को लात मार दी। अरे पड़ोसियों के घर में गिरी वो और वहां शादी हो गई। मोहब्बत नहीं भाड़ में। ऑलमोस्ट देयर 10 सेकंड लेफ्ट। दे दो 10 यार, हिटलर है यार। भाड़ में नहीं। मोहब्बत 7 मोहब्बत गई हवा में।
मोहब्बत गई, मोहब्बत भाड़ में गई, गई वो फिर उसने शॉपिंग की बात हुई ना, फिर मोहब्बत भाड़ में। ओके आई विल गिव इट द पॉइंट, एक नाम गलत जाए भाड़ में। ओहो एक ही बात, एक ही बात। ओके मैं इसमें हिंट दे देता हूँ क्योंकि माशाल्लाह दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो ये बड़ा आसान है। ये इनकी एक चीज है जो आपके पास है जी, आपने ना कंफ्यूज कर दिया, मुझे बताया था मैंने। दिल, दिल की चाबी, ये देखिए। ओके जी, द गाय इज कॉन्फिडेंट। और ये बड़ी ही हिंट में दे देता हूँ, हिंट ये है कि ये चीज घर घर में पाई जाती है। ओके ये घुमा देता है। अच्छा ओके ओके, सच बोला मैंने, आई एम दैट, आई कांट, डोंट शेप नहीं बना सकते, खुद फिजिकली करो जो करना है। सिटिंग, ये कैसे पता चल गया उनको? एक सोफा, क्या मुझे क्या पता, यू आर चीटिंग। मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। सोफा, ओके सोफा, क्या आगे सोफे के सामने, सोफे के सामने आके बैठ जाओ, सोफा गरम सोफा। मैं टाइम 15 सेकंड्स लेफ्ट, आई लव दिस, 14 13 मरहम 12 बिक्स 11 10 दर्द हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा मुझे, दर्द क्या, दर्द हो रहा है मेरे यहां, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नरम सोफा, अरे यार बहुत सारी तालियां, नरम यार। कैरी आप क्या करते हैं बेड के, हिंट में दे देता हूँ, ये साहिल समंदर पर बहुत होते हैं, चुटिया, चुटिया होती है साहिल समंदर पे, सर पे छोटे बाल, पोनी, पोनी वो पोनी, दरख्त, हाँ दरख्त, ओके हाफ कर दो, दरख्त को काट के उसका फर्नीचर बनवा लें, वो कह रहा है खजूर का दरख्त, दरख्त ट्री दोनों में बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है। सदम जब गेस कर रही थी आगा मुझे कह रही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इक्वल चल रहे हैं, आखिरी है ये, चले ठीक, बिल्कुल आखिरी है ये। तो कितने पॉइंट्स हो गए शेरी के? थ्री ऑल, थ्री ऑल, या वेरी गुड, बहुत ही आसान है ये, मेरी टीम का तोहफा है आई थिंक इन लोगों को, मेरे ख्याल से ये 15 सेकंड में गैस हो जाना चाहिए, ये चीज घर घर में होती है भाई। ठीक जी, बताओ नहीं ना, टीवी, रिमोट, चैनल बदल रही है, क्या करूँ, आपका ड्रामा देख रही है, वर्ड गेस उसको करना है जो है, चैनल बदलना, टीवी, रिमोट, टीवी का रिमोट, सलामत के लिए जाए। राइट, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बादशाह सलामत, आइए तशरीफ रखिए, चलिए गेम की तरह खेलते हैं अब, इसके बाद बहुत ही कमाल एक और राउंड जो कि आप लोग जानते हैं, आज मैं शरोज के साथ वो गेम खेलूंगा जो मैं चुनिंदा गेस्ट के साथ खेलता हूं, एंड यू नो व्हाट इट इज, और एक रैपिड फायर भी बाकी है जो हम तो सदस्य के साथ खेलेंगे, जो हम सदस्य के साथ खेलेंगे, सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, हम पोडियम शोडियम हटाते हैं, आप जरा जाओ जरूरी काम करके आओ, पर जल्दी आ जाना, यू आर वॉचिंग द कपल शो।
सादे शेरो सजवारी एंड सदफ सब्जवारी और हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें. गेम हमने खेला और क्लियरली शेरोज जीत गए और इशारों की जबान वो समझ गए सदफ की, लेकिन तब भी घर के अंदर बॉस सदफ ही हैं. यस अब जो हमारा अगला सेगमेंट है आगा, कोई भी शो इस सेगमेंट के बगैर कंप्लीट नहीं है और उसको हम कहते हैं दी रैपिड फायर राउंड. वैसे सदफ क्या होता है कि कभी कभार यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप तो चीजें निकल जाती हैं मुंह से, रिग्रेट करते हो यार ये मैंने क्या बोल दिया है. बहुत ज्यादा मैं कह देती हूँ, फिर कहती हूँ अल्लाह शेरी डांटेगा मुझे, मैंने क्यों बोल दिया है मैंने. फिर कहता है कि तुम थोड़ा सा वो किया करो, थोड़ा सा जबान का कंट्रोल में किया करो, थोड़ा सा दूसरे के शूज में जाके भी सोचा करो. हाँ ये एक बहुत अच्छी टिप है. उतरवाएं कभी किसी और के जूते. चलो जी शुरू करें. चलिए जी, क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? एक्साइटेड. कौन है वो जो सबसे बुरी शो स्टॉपर है आज तक के फैशन शोज में? शाइस्ता लोदी, उष्णा शाह, आयजा खान. मतलब इनमें से सबसे मीडियोकर वॉक किसने की? आई थिंक किसी ने नहीं की, सबने अच्छी की है. किसी एक का नाम लेना पड़ेगा. लेना पड़ेगा उष्णा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या एक्ट्रेसेस जो लॉन के शूट्स करती हैं वो मॉडल्स का हक मारती हैं, हाँ के ना? आई थिंक नहीं नहीं नहीं. वो कौन सी मॉडल है जिसे कभी भी एक्टिंग की तरफ नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए है? हर जवाब देना जरूरी है. हाँ ठीक. अरे यार तू इसको लेके जाओ. नहीं नहीं गुड गुड गुड. हाँ लेकिन आप है या था जो भी आप कहना चाहो है भी तो बोल दो. आई थिंक कोई ऐसी मॉडल है नहीं जिन्होंने एक्टिंग की हो. सदफ बदल गई है. आई थिंक कोई ऐसी नहीं है. जब भी आप सच नहीं बोलने वाला होता ना तो आप वहाँ कहीं कुछ ढूंढने लग जाते हो तो पता लग जाता है, आंखें फड़कने लग जाती हैं. तो ऐसा नहीं करेंगे, सच बोलेंगे. आप कौन सी ऐसी नहीं नहीं जिसने ट्राई किया उन्होंने सही ट्राई किया तो आई थिंक अच्छी बात है. मैं भी ट्राई करूंगी. तो पर आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की यार, आपने तो फिल्म कर ली, आपने तो ड्रामा भी कर लिया और कितनी एक्टिंग ट्राई करनी है. सीखनी है ना, तो मैं सीख रही हूँ. तो अभी लेट्स सी. आई थिंक मैं ही हूँ वो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं. वो कौन है जिसने आइटम सॉन्ग अच्छा नहीं किया? मेविश हयात, आयशा उमर, नीलम मुनीर. आई थिंक आयशा उमर. ठीक है अगला सवाल. अच्छा नहीं और अच्छा हो सकता था. और अच्छा हो सकता था वो. ठीक है जवाब हमें मिल गया. शेरोज को किस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करने देंगी? रमशा खान, अलीजे शाह, हिबा बुखारी. आप खुद से भी नाम ले सकते हो. कौन है हिबा बुखारी? रैपिड फायर का प्रोमो. ये ड्रामा आया था दीवानगी, दानिश का बड़ा अच्छा गया था उसमें. आई नो इतनी प्यारी है वो. आई थिंक लीजिशा. ओके अगला सवाल. सजल और सबूर में से अच्छी एक्ट्रेस कौन है? दोनों बहुत अच्छी हैं लेकिन सजल. ठीक है अगला सवाल हमारा ये और आखिरी सवाल ये है. इनमें से कौन सी मॉडल है जो वाकई में आने वाली मॉडल्स के लिए एग्जांपल है? मेहरीन सईद, इमान अली, वनीजा अहमद. मेहरीन सईद. ऑलराइट दिस वाज रैपिड फायर राउंड. दिस वाज फुल. और ये मेरी तरफ से भी आंसर यही है. हां या नहीं, हम सबकी तरफ से है. आई थिंक आई लव वेल मुझे तो सभी बहुत पसंद है. मुझे मेरी शादी से पहले सभी मॉडल्स बहुत पसंद होते हैं. हां थैंक्स फॉर द करेक्शन ब्रो. ये भी बहुत पसंद थी. अब मुझे सिर्फ एक ही मॉडल एक्टर पसंद है, होस्ट पसंद है. इसी डिश का मैं वेट कर रहा था और ये था हमारा रैपिड फायर राउंड. सो यू डिड वेरी वेल यार, वेरी नाइस. अब बारी है बुरे काम की. ओके ये राउंड नॉर्मली लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है नहीं, लेकिन मेरा भाई आया है तो खेलना तो पड़ेगा. चलो चलो चलो. तो ऑडियंस को एक्चुअली ये राउंड है ना, आप जानती हैं सबसे ज्यादा यही पसंद आता है बिकॉज दे गेट टू हेयर थिंग्स दैट उन्होंने कभी नहीं सुनी, जो बातें वो सुनने को मिलती है. तो चलें, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए आ सकती हो. आइए और आप प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चलिए. आइए आइए. तो चलते हैं हमारे उस राउंड की तरफ. तो राउंड का नाम है बताओ या खाओ. तो आपको या तो बताना है जो मैं पूछूंगा या तो खाना है जो मैं कहूंगा. और तुम कहोगे? हाँ जो मैं कहूंगा. नहीं वही आपको खाना पड़ेगा. और आपके पास भी है सर एक ये देखिए ये क्यू कार्ड है एंड यू हैव क्वेश्चंस फॉर मी.
तो ये बिल्कुल हम लेवल रखते हैं, कोई इसमें अनफेयर नहीं करते, जो मेरे साथ होगा वही आपके साथ, जो आपके साथ वही मेरे साथ। बहुत खतरनाक। ओके जी, पहला सवाल, रेस योर सेल्फ, यू रेडी? वो कौन है, वो कौन है एक्ट्रेस या एक्टर जो सेट पे कभी टाइम पे नहीं पहुंचता, लेट होता ही होता है? अगर मैं जवाब नहीं देता तो क्या खाना पड़ेगा यार? नहीं जवाब दे दे, क्या हो गया, कोई तो होगा जो लेट आता होगा, अभी क्या कर सकते हैं वो? नंद पे जो हो सकता है ये शो देख के वो टाइम पे आ जाए, क्या खाना पड़ेगा? अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, नहीं सोच रही, ये तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम डिसाइड कर लेगा। कच्चा अंडा भी खाना पड़ सकता है, मिर्ची भी खानी पड़ सकती है। आई विल ईट समथिंग। तो जवाब नहीं देंगे आप? अरे यार मुझे पता था, ये क्या है? दिस इज तूफानी नूडल। चलो चलो ठीक है, इसे खाने के बाद आपके मुंह में और आपके मेदे में एक तूफान मच जाता है। आस्क हर कि मुझे मिर्ची कितनी लगती है। मैं खा लूं उनकी जगह? नहीं तो खा सकती हूं। ओके अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूं, कितना मिर्चों का इतना प्रॉब्लम है। नहीं नहीं आपके पास दूध और पानी भी है। ओके आई डोंट माइंड, ओके डन। कितना पूरा? बहुत सारी तालियां शेरोस के लिए। पूरी बाइट लेनी? ये पूरी बाइट तो नहीं है, बहुत कम कर देता हूं। ये देख बड़ा वाला नूडल निकाल दिया। उस शख्स के लिए खा रहा हूं कि प्लीज वक्त पे आ जाए करें। हाँ, जो भी हैं आप, नाम ही ले उसके दिल में है जवाब। There you go, बहुत सारी तालियां। जल्दी से दूध तो पीते नहीं हो। बहुत सारी तालियां शेरोस के लिए। और ये एक्चुअली जब भी पहली बार गैस ये खा लेता है तो उसमें जो बदले की चाहत है वो बढ़ जाती है, और आई एम श्योर कि अब आपके अंदर बदले की चाहत बढ़ चुकी है। पूछिए सवाल, क्या पूछेंगे आप हमसे? पूछने लायक ही नहीं रखा है आपने। बहुत माजरत चाहता हूँ। ओके आवा जी, वो कौन है इंडस्ट्री में, हमारी जी इंडस्ट्री में जी, जो इतना बोलता है कि आप बेजार हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ हाँ 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 करने लगते हैं? कौन है इंडस्ट्री में? वो मशहूर इंसान नहीं है वो, लेकिन है जरूर। इंडस्ट्री का होना जरूरी हो? हाँ, इंडस्ट्री का ही है। फरमाइए जवाब दीजिए, नहीं तो आपके लिए कच्चा अंडा रेडी है। आई एम वेरी सॉरी सर, यू नो आई लव यू, पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वो समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ सर है वो, एक्चुअली क्या होता है कि वो कभी कभी उनको लगता है कि मैं अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर हैं और तो इस वजह से वो कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तो मैं उनको फिर मैं कहता हूँ जी सर मैं समझ गया बट ही नहीं, 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 नहीं। आप जी सर नहीं कहते, आप बेजार हो के जी सर कहते। कौन है वो सर? बताओ क्या खाना है? कौन है? चीज ओरे यार, ये मैंने पहले भी खाया है यार, ये बहुत गंदा है, कच्चा। अरे ये बहुत 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 खराब है ये। चीज कौन है वो जिनसे आप बात करते हुए बेजार हो जाते हैं? सर मुझे माफ कर दो, सर मुझे माफ कर दो, है वो है सलीम खानशी, मैंने अभी उनके साथ काम किया। I'm sorry, वो उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं शायद नहीं समझ पाया, या शायद उनकी एक आदत है कि वो बात रिपीट करते कभी कभी सीन से पहले, कोई इमोशन समझा रहे होते तो he keeps on saying the same thing, maybe he wants the correct thing, पर सर ये कच्चा अंडा मैं नहीं खा सकता था, I'm very sorry. ऐसा एक्टर है या चलो डायरेक्टर है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जिसके साथ काम कर लिया और बाद में दिल में सोच लिया कि यार अब इसके साथ दोबारा काम मैं नहीं करूँगा? अमीन इकबाल इज द डायरेक्टर दैट दोबारा कभी काम नहीं करना चाहोगे? बहुत सारी तालियां यार, वाओ शेरी आप तो मेरे जैसे हो रहे हैं। संगत का असर है। संगत का असर है। ओके जी आपकी बारी सर। ऐसा आपके सेट पे कौन होता है जी जो अपनी बात तो छुपा लेता है जी लेकिन दूसरे की बात जानने में लगा रहता है? अपनी बात छुपा लेता है, दूसरे की बात जानने में लगा रहता है, जो एड़ा बन के पेड़ा खाता है। बिल्कुल सच बताऊं इस मामले में अगर तो मैं सॉरी, आप अपने अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते। किसी का नाम ले सकते? अच्छा अपनी बात जान, मेरे सेट पे तो आजकल निमरा खान। उनको भी सब जानना होता है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। गाइस कम ऑन। नाइस। मतलब हाँ वो अपनी नहीं,
बताती हैं और बाकी दुनिया जान की सब बातें करनी होती हैं। अच्छा जी, कौन है वो एक्टर, सुनिएगा जरा, बिग क्लोज लीजिए लड़के का, वो कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपके हिसाब से ओवररेटेड है, मतलब इतना नहीं है भाई, बस बातें ज्यादा बना दी हैं लोगों ने, यू नो, या कोई और वजह है तो ओवररेटेड है। इज इट फिरोज खान, इज इट दानिश तैमूर, इज इट शहरयार मुनव्वर और इज इट बिलाल अशरफ? जी मैं दूं? खाना पसंद करता? नहीं नहीं, खाना, अच्छा खाना पसंद करेंगे, बहुत सारी तालियां। अच्छा मैं एक बात जानना चाहूंगा मैं, जवाब यू आर नॉट गिविंग द आंसर, फाइन, बट डू यू रियली थिंक दैट वन ऑफ दीज आर ओवररेटेड? ऑफ कोर्स। ये जवाब भी नहीं दूंगा, आपकी बेगम ने जवाब दे दिया है, मैं दोनों को एक ही मानता हूं। ये बहुत बुरा है यार, क्या है? किल यू, ये क्या है? अच्छा चलो, अंडा खिलाना चाह रहे थे मेरे भाई मुझे, शेरी बोल देना जी, बहुत सारा अंडा अंडा अंडा, शेरी बोल दे। यस लेट्स गो, मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहरा देता हूँ, कौन सा ऐसा एक्टर है जो ओवररेटेड है? फिरोज खान, दानिश तैमूर, शहरयार मुनव्वर? एक मिनट, जवाब देने की कोशिश। नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा पूरा खाने की जरूरत नहीं है, दिस हाफ ऑफ ए वन, आई हैव वाटर। ओह माय गॉड, बहुत सारी तालियां, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। कैसा लगा आपको अंडे का फंडा? सही। चलिए मेरी बारी है, पूछिए सवाल सर जी। किस एक्ट्रेस को अरे भाई, किस एक्ट्रेस को जी मेकअप से ज्यादा एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए? आंसर देना जरूरी है, कुछ खा नहीं सकते। किस एक्ट्रेस को मेकअप से ज्यादा एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए? आंसर अलीज़े शाह को। जब कोई सच बोले तो म्यूजिक। ओके मेरी बारी है। No, the reason is that she's very young. I think young. We both are on fire, bro. And yeah, a little bit. Yeah. Okay, कौन सा ऐसा director है जिसकी film चाहे कर चुके हों चाहे ना कर चुके हों पर जिसकी film आप नहीं करना चाहेंगे? और directors के नाम हैं विजात राउफ, यासिर नवाज, साकिब मलिक। इनमें से कौन है जिसकी फिल्म आप नहीं करना चाहेंगे? विजात राउफ, यासिर नवाज, साकिब मलिक। मेरी जान खा लें। नहीं थी, I think तीनों की तीनों अपने जॉनरा के सही डायरेक्टर्स हैं जी, और अगर तीनों में से कोई अप्रोच करता है जी तो आई वुड लव टू रीड द स्क्रिप्ट एंड डू द फिल्म। किसकी फिल्म नहीं करना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल तीनों की फिल्में एक साथ आ गई तो हु आर यू गोना चूज एंड हु, कौन से दो हैं जिनको फिर इग्नोर कर दोगे? कौन है वो डायरेक्टर जिसको? विजात राव, यासिर नवाज एंड साकिब मलिक, किसको करेंगे चरोज चूज और किसको करेंगे खुद से दूर? मैं करूंगा इस सवाल को खुद से दूर और खाने को चूज। ओके, यू बीइंग स्पोर्ट, और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अच्छी बातें करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि जो तूफानी लोग होते हैं उनको मिलनी चाहिए तूफानी लस्सी। आइए, इसमें मेरा दिल है, मेरा प्यार है, नहीं पता इंग्रेडिएंट्स और मेरी जिंदगी का थोड़ा स्पाइसी पन, इंग्रेडिएंट्स स्पाइसी यार, घीस बताओ लोग बद बनाना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए बीवी का प्यार, मिर्चे नहीं है, कुछ और है, तूफानी लस्सी, कुछ और क्या, तूफानी लस्सी तो ऐसे करके रोज बना, खुदा ना खास्ता जहर डाल के तो तेरे को दूंगा नहीं मैं। अरे मिर्चे हैं सिर्फ और लाल मिर्चे हैं, चलो चलो पी लें जी थोड़ा सा। सवाल क्या है? मैं इसको दोबारा मिक्स करना चाहूंगा। सवाल लीजिए, लीजिए कह रहे सवाल क्या है? सवाल है, एक बार फिर पूछता हूँ कि अगर तीन लोगों की फिल्म अचानक एक साथ ऑफर हो जाए तो आप तीनों में से कौन से दो को खुदा हाफिज़ बोल के एक को कहेंगे कि सर करते हैं ये फिल्म? डायरेक्टर्स का नाम है यासिर नवाज, साकिब मलिक या फिर वजाहत राउफ? अरे बहुत सारी तालियां चलो सब्जवारी के लिए, इंडस्ट्री में कौन है वो जो फेक एक्सेंट बना के अंग्रेजी बोलते हैं? He's creating hype. Come on. अच्छा बताओ क्या खाना है? This is so bad. This is लसन अदरक का. This is so bad.
mixture. Dude, yeah, it is very bad. It's okay. जवाब दे दो आप. एक सेकंड, because I love you. So जितना बस चम्मच जो मैंने डाला, जवाब दे दो. Love you man. But ये पूरा, ये पूरा. And Agha Ali having lassan adrak ka mixture. Come on, be a sport. Yeah. Yeah. Good. Oof. Nice. Ui. Oh, it's so bad. वो कौन है इंडस्ट्री में जो इधर की बातें उधर करता है और जब तक ना करे उसका पेट नहीं भरता. बेसिकली वो जो दोगों में आग लगाता है. कौन है वो? मैं भी चौधकारी हूँ. ले लो. नो बीवी, नो खानदान, नो प्राइवेट कंफर्ट. कह रही मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो. को गुनाह थोड़ी है. फिर बोलें. कौन है? कोई है? फिर बोलें. इंतजार कर रहे हैं हम. घर में बोलो या बोलें. ये तूफानी शरबत अंदर की सच्चाई बाहर लेकर आ रहा है. नहीं मैं खाऊंगा, कुछ खाऊंगा. उस बंदे को या बंदी को फसादन या फसादी कह रहा. हाँ है तो ऐसा ही. शेरी बोल दें. शुक्रिया लीजिए. प्लीज जो आपने किया है वैसा ही, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे. दूध पी लो, दूध पी लो, दूध दूध. बहुत सारी तालियां भाई के. मैं दूध नहीं, दूध से वो हो जाएगा. ये मुझे ऐसा लग रहा है ये गेम हमने शायद जरोज के लिए ही रखी थी, क्योंकि ना मैंने कभी इतना खाया होगा ना किसी गेस्ट ने. ये पहला नहीं, नाइस. ओके, एक आखिरी सवाल रह गया है और मेरे पास है वो ये है. मेरे पास पहले आप पूछ रहे हैं, फिर मेरे पास एक आखिरी सवाल है. तो मेरे पास जो तीन सवालों में से कोई एक बेस्ट पूछ सकता हूँ. हाँ गो अहेड, गो अहेड. आस्तीन का सांप मेरा दोस्त. ओह वो कौन है इंडस्ट्री का शख्स जो अगर किसी गैदरिंग में आ जाए, आप भी मौजूद हो, आप वहां से फौरन निकलने की करते हैं. देखो दिस इज सो रॉन्ग मैन. और अगर इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, तो ये अरे नहीं नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं 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 जर्दी के साथ. नहीं 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 नहीं, मुझे जर्दी मना है. नहीं नहीं मना मुना, सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि जर्दी नहीं खानी. मना मुना. कौन सा ऐसा शख्स है जिसे देख के मैं महफिल से चला जाऊंगा? नहीं चले नहीं जाओगे, बोलोगे हिना निकल. पहली फुर्सत में निकल. अरे मेरे रब्बा, हिना वो आ गई है. कुछ भी बोल दे यार. हिना वो आ गई है, चलो. कसम से ये नहीं, मैं उल्टी कर दूंगा. इट्स वेरी बैड. आई कांट, आई स्वेयर आई कांट मैन. डोंट डू दिस टू मी प्लीज. कैमरा नाम ले लेना, कैमरा. जर्दी की बाइट चाहिए मुझे. जर्दी की बाइट अली. यू हैड जर्दी? सिकंदर नहीं. जब आपने जब नहीं जर्दी खाई खुद, तो मैं क्यों खाऊंगा? चलो ठीक है, फिर पानी कम हो. हाँ देख ले यहाँ तक. ओके ओके. प्रोटीन कम. एक मिनट. आखिरी सवाल है दोस्तों. अगर इससे पूछते पूछते मैं बेहोश हो गया तो है ना, ये सवाल आप पूछ लेना है. ओके आखिरी सवाल है. वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो मोस्टली फेवरेटिज्म की वजह से कास्ट होता है, टैलेंट की वजह से नहीं? मतलब ऐसा कोई है जिसका नाम नहीं ले सकते? ऐसे हैं. ऐसे हैं. तो कोई एक नाम ले लें क्या है? खाना खाना पसंद. अच्छा खाना खाना पसंद करेंगे भाई, क्योंकि आखिरी है. तो चलो मैं हरी मिर्ची ज्यादा नहीं थोड़ी सी तोड़ते हैं और भाई को खिलाते हैं. दिस टू मच. Whatever you say, you're the boss. You gotta chew this because अगर इसको गल्प करोगे तो ये बड़ी नुकसानदेह हो सकती है. तो इसे chew करना पड़ेगा और खाना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले कैमरा मैं बहुत सारी तालियां बजाना चाहूंगा फिर शुरू. Such a sport man. Nobody played this game as him. Okay. Oh, oh, oh. बस जल्दी से अंदर ले लें या पानी पी लें. वो वाली थी. नहीं यार. घर में एक आती है ना जो बच्चों तो जानी होती. थैंक यू. किस्मत यार. बहुत बहुत सारी तालियां. मेरे भाई
थैंक यू सो मच, सच अ स्पोर्ट यू आर. थैंक यू, क्या खेले आप, बहुत बेहतरीन. एंड यू बोथ वर अमेजिंग गेस्ट. ये सब पहला शो है एज हस्बैंड वाइफ. And this is what we needed, so love you both. And इस इज्जत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Sadaf. You're a great girl. I hope that you guys have a great future. हमेशा खुश रहो और अल्लाह पाक आपको वो सारी खुशियाँ दिखाए जो आपने कभी सोचा था from a married life. तो घर चलते हैं, आपको भी घर जाना है, हमें भी जाना है. हम आपसे मिलेंगे next week एक और बेहतरीन कपल के साथ. तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा and do whatever you want to do, man, but don't trouble your mother.